आईटी सेक्टर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से इस सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फ्यूचर स्कोप आज से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और शायद आपको पता हो कि इंडिया के मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स में से एक है CSE, और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो तेजी आई है उसने भी इस CSE फील्ड की डिमांड और स्कोप दोनों को बढ़ा दिया है। प्रोग्रामिंग का एरिया भी जिस तेजी से बढ़ रहा है CSE का ब्राइट फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो चुके हैं या इस कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको CSE से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और इसका कितना स्कोप है ये भी आप जान जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं CSE के स्कोप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि CSE कोर्स क्या है। ये कोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के बेसिक की एलिमेंट्स पर फोकस करने वाला एक एजुकेशनल कोर्स है और CSE में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट करनी होगी। इसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 60% होने जरूरी है और अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहे तो आपको सेम स्पेशलाइजेशन में BTech कंप्लीट करना जरूरी है। CSE के UG और PG प्रोग्राम में एडमिशन की इस बेसिक इन्फो के बाद ये जानना जरूरी है कि CSE में स्कोप तो बहुत है जो फ्यूचर में तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन आपको इसका कितना बेनिफिट मिल पाएगा ये आपकी डिग्री के साथ स्किल्स पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। इसलिए CSE रिलेटेड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए ताकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर की तरह परफॉर्म कर सके। इसके लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फास्ट लर्निंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स स्किल्स को तो बेहतर करना ही होगा, साथ ही बेसिक वेब डेवलपमेंट की नॉलेज, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज और क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स, मशीन लर्निंग के बेसिक्स को भी क्लियर करना होगा। और जब इतना सब कर लेने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे तो आपको CSE फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। CSE कुछ ऐसी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑफर करता है जो केवल इंडिया के लिए ही नहीं होती बल्कि इंडिया के बाहर जाकर के भी की जा सकती है। बहुत से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स तो फ्रीलांस वर्क करके बहुत अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। ये हाई स्कोप पाने के लिए आपको अपने इन फैक्टर्स पर गौर करना होगा। अगर आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से किसी एक से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करना चाहेगी और अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करेगी। अगर आप हाई परसेंटेज स्कोर करते हैं, आपकी कंप्यूटर नॉलेज स्ट्रॉन्ग है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है तो आपको भी आसानी से अच्छी जॉब मिल सकती है। CSE फील्ड में बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए आपको कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए ताकि आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सके और आपकी कंप्यूटर नॉलेज बाकी कॉम्पिटिटर्स से कहीं ज्यादा हो। और ये तो फील्ड ही प्रैक्टिकल का है, इसीलिए आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको ग्रेट स्कोप दिला सकेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप IT कंपनीज में डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, मैन्युफैक्चर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आप टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, ऑटोमोटिव कंपनीज और एयरोस्पेस कंपनीज में प्रोग्राम, वेब डेवलपर और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट की पोजिशन पर भी वर्क कर सकते हैं। आप नॉन IT कंपनी में वर्क करना चाहे तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज, रिसर्च, प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कई सारे ऑप्शंस। CSE ग्रेजुएट्स को हायर करने वाली टॉप कंपनीज में फेसबुक, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एप्पल, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कई सारी कंपनीज शामिल है। और एक CSE कैंडिडेट को इस इंडस्ट्री में मिलने वाले डिफरेंट जॉब रोल्स की बात करें तो वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर कंप्लायंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सिस्टम एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटाबेस डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एप्लीकेशंस डेवलपर, UX डिजाइनर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिटर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपर और CRM सिस्टम एनालिस्ट एंड मेनी मोर। तो इस तरीके से बेस्ट प्लेसमेंट पाने का सबसे पहला तरीका बेस्ट कॉलेज से डिग्री लेना हो सकता है। और ऐसे टॉप कॉलेजेस जो बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं
वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs जैसे IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NITS जैसे NIT ट्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल और NIT कैलीकट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IITs जैसे IIT हैदराबाद और IIT अलाहाबाद। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी BITS बिट्स। तो इन टॉप कॉलेजेस में से सूटेबल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको JEE मेन और एडवांस्ड जैसे एंट्रेंस टेस्ट में हाई स्कोर लाना होगा। इसके लिए कड़ी मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो आगे जॉब और सैलरी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर अमेजिंग रिजल्ट्स आपको चाहिए तो तैयारी भी सॉलिड करनी चाहिए। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे आपको ये मिस्टेक करने से बचना चाहिए कि अगर CSE में ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है तो आप इस कोर्स को करने का इरादा बना ले जबकि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करके आप अपने करियर को स्पॉइल कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी गलती करने से बचिए, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे। और जहां तक CSE की बात है तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफर करने वाले हार्डवेयर इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। IT सेक्टर का एरिया बहुत ब्रॉड है और इसमें एम्प्लॉयमेंट और जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या परफेक्ट रहेगा ये आप ही तय कर सकते हैं। वैसे इस CSE कोर्स की तरफ अट्रैक्ट होने का एक बड़ा रीजन हाई सैलरी पैकेज भी होता है, और ये सही है कि IT सेक्टर में मिलने वाली हाई सैलरी यूथ को कंप्यूटर साइंस की तरफ अट्रैक्ट करती है। बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को शुरुआत में 15,000 से 25,000 सैलरी मिल जाती है, और 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ये सैलरी 40,000 पर मंथ तक पहुँच जाती है। इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है और आप टॉप कॉलेजेस से पास आउट है तो आपको मिलने वाले एडवांटेज भी इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप इस फील्ड में टीचिंग का ऑप्शन भी चूज करेंगे तो भी आप 20,000 रुपए पर मंथ से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी टॉप कॉलेज से ये कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक एवरेज कॉलेज का एक्सीलेंट स्टूडेंट भी अपने लिए स्कोप क्रिएट कर सकता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल द्वारा ऑफर किए जाने वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर लेंगे तो आपके हायर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल बात ये है कि CSE में बहुत स्कोप है और आगे और भी ज्यादा स्कोप होगा। इसलिए अभी आप जिस स्टेज पर खड़े हैं यानी CSE पास आउट है या इसमें एडमिशन लेने वाले हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपडेटेड रहिए, और फिर देखिए आपको अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग सूटेबल ऑफर्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।